हे नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने कमेंट किया कि सर एक सन काइट बना के दिखाइए, तो फ्रेंड आज मैं आपको सन काइट ही बना के दिखा रहा हूँ, यानी सूर्य काइट। तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या इस तरह का एक डबल साइड न्यूज़पेपर ले लेना है। आप बड़े ध्यान से समझना, सबसे पहले तो इस तरह का एक डबल साइड न्यूज़पेपर है। सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड करना है ताकि ईच कॉर्नर बिल्कुल सही तरह से सही पोजीशन पे फोल्ड हो हर एक। तो ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया इस तरह से फोल्ड। अब हम सेंटर में से फोल्ड करते हैं इसको इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल ही ध्यान से एकदम स्टिक पोजीशन पे इस तरह से हमने फोल्ड करना है इसको। ये देखिए फ्रेंड, अब देखिए, अब समझने की बात है। सबसे पहले आपको या तो स्केल ले लेना है, या मैं स्केल नहीं ले रहा हूँ, मैं एक तिल्ला ले रहा हूँ यहाँ पर पतंग का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें लेंथ नापनी है। जैसे यहाँ से मैंने इसको रखा ऐसे, और यहाँ तक ये लगाया मैंने निशान, और सेम जितनी ये लेंथ है उतने ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरह से यहाँ पर लगाया था, यानी ये लेंथ जाती है यहाँ तक की। तो दोबारा समझाता हूँ, ये जो लेंथ है बेसिक आप स्केल से नाप सकते हो या इस तरह से कर सकते हैं। मैंने निशान लगाया यहाँ तक, और ये इधर की लेंथ आप देख सकते हैं। अब यही सेम जो लेंथ हमने ली है, यही हम ऊपर की तरफ भी लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की ये चीज़। और अब हम इसको इधर से कर देते हैं फोल्ड ये चीज। तो फ्रेंड ये था मेन पार्ट जो समझने का बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो अब ये आपके पास आ गया बिल्कुल स्क्वेयर टाइप में, जितनी ये लेंथ है ये लेंथ है ये लेंथ है। स्क्वेयर तो आपको पता होगा इक्वल लेंथ होती है सारी। तो अब क्या करेंगे हम, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में एक सर्कल लगाना है, फ्री हैंड सर्कल। तो बड़े ही ध्यान से देखिए फ्रेंड, बिल्कुल फ्री हैंड सर्कल, ये देखिए बिल्कुल फ्री हैंड सर्कल लगाना है ये हमें इस तरह से। और अब हमें, जैसे कि आपको पता है सन काइट है, तो सन काइट के ऊपर हमें पता है ये सन इस तरह से होता है, ये गोल, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो हर किसी को भली भांति पता ही होगा। तो अब हमारे पास गोलाई तो ये मिल चुकी है, लेकिन ऊपर हमें इस तरह का पोर्शन बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसी गोलाई के ऊपर यहाँ से उठाएंगे ऐसे, यहाँ से उठाएंगे ऐसे, यहाँ से उठाएंगे ऐसे, यहाँ से उठाएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो देखिए फ्रेंड, अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। ये जो हमने ऊपर का पोर्शन लगाया, जस्ट हमें इसी इसकी कटिंग करनी है, हमें ये गोलाई की कटिंग नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बड़े ही ध्यान से कटिंग करनी है फ्रेंड्स आपको इसकी, हालांकि टाइम जरूर लेगी ये कटिंग आपके लिए, लेकिन कटिंग अच्छी होगी तभी ही काइट हमारी अच्छी बन पाएगी। देखिए फ्रेंड, कितने ही ध्यान से आपको कटिंग करनी है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, बड़े ही ध्यान से आपको इस तरह से कटिंग करनी है इसकी, बहुत ही ध्यान से कटिंग करनी है फ्रेंड। इसमें टाइम जरूर लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा वो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज, अब हमारी कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी तरह से कंप्लीट, बस ये आखिरी कट रह गया है कि यहाँ पर, तो मैं इसको भी जल्दी से लगा देता हूँ। तो गाइज देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है, इस तरह से कटिंग आपको मिल जाएगी। आपको दिखा देता हूँ मैं और नज़दीक से, तो देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ हमें रिजल्ट मिला है। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट मिल ही गया गाइज, थोड़ा से हालांकि इसमें चेंज जरूर है यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे पोर्शन नहीं आया जैसे हमें चाहिए था, लेकिन ऑलमोस्ट हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसको काइट को बनाना कैसे है। तो बिल्कुल सिंपल वे है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरी सर्कल काइट है इस तरह से एक तिल्ला हमें यहाँ पर यूज़ चाहिए होगा, एक तिल्ले का यूज इस तरह से चाहिए होगा, एक तिल्ला हमें यहाँ पर स्ट्रेट में चाहिए होगा, या हम ऐसे पोर्शन पे भी यहाँ पर तिल्ले लगा सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर टेप है, तो मैं टेप पहले ही निकाल के रख लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ पुराने तिल्ले हैं फ्रेंड्स मेरे पास, तो चलिए इसमें से मैं तिल्ले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये तिल्ला स्ट्रेट के लिए थोड़ा कम रह जाएगा, तो मैं उसमें जोड़ना पड़ेगा तिल्ला, या मैं अगर इसको देखा जाऊँ तो ये तिल्ला ये भी छोटा है, तो इसके अंदर हम दूसरा पोर्शन जोड़ेंगे किसी तिल्ले का, इसको हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर। और ये गोलाई के लिए ये तिल्ला देखिए गाइस,
तो चलिए मैं इसको एक बार जोड़ देता हूँ यहाँ पर जल्दी से। सबसे पहले तो इसके साथ मैं दूसरे तिल्लों का ऐसे जोड़ देता हूँ ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर हम इसको ऐसे छोड़ के यहाँ पर इधर से नीचे जो लास्ट तिल्ला लगाएंगे ऐसे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको स्ट्रेट में ऐसे लगा देता हूँ। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर रखा इसको और यहाँ से हमने इसको लगा दिया। ये देखिए गाइस, मैं एक बार फिर से चिपका देता हूँ इसको अच्छे से। तो ये हमारा यहाँ पर लग गया। अब सेम वे में एक हम नीचे की तरफ लगा देते हैं। पहले देखिए गाइस, नीचे लगाने से पहले मैं एक तिल्ला यहाँ पर इस तरह से टेढ़ा लगाना है आपको, इस तरह से लगा लेते हैं एक तिल्ले को और इन दोनों को एक साथ में चिपका डालते हैं। तो मैं थोड़ा और मजबूत कर देता हूँ इसको, थोड़ी और टेप लगा देता हूँ इस पर। तो ये और मजबूत हो गया। एक हम सेंटर में लगा देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया और ये सेंटर में इसको लगा दिया। थोड़े और टेप लगा देता हूँ मैं सेंटर में। ये मैंने लिया और ये सेंटर में इसको लगा दिया। तो चलिए गाइज, ये हमारा तिल्ला यहाँ पर लग चुका है। अब हमें गोलाई तिल्ला चाहिए, तो ये हमारे पास गोल तिल्ला है यहाँ पर। तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लाना है हमें। तो चलिए एक साइड से पहले हम टेप निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसको रखते हैं तिल्ले को, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे टेप से चिपका दिया। थोड़ी टेप और लगा देता हूँ ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको लिया और थोड़ी टेप और लगा के इसको अच्छे से कर दिया सेटल्ड। तो चलिए मैंने पहली टेप निकाल ली है। इसको हमने यहाँ से राउंड किया। ये राउंड होने के बाद हमारे पास यहाँ आया और ये हमने इसको यहाँ से भी चिपका दिया। तो इसको हमने यहाँ पर मोड़ दिया पीछे। तो चलिए मैं थोड़ा टेप और निकाल लेता हूँ। ये हमने इसको यहाँ पर मजबूती दे दी है। तो गाइज ऑलमोस्ट अब हमारी काइट हो चुकी है रेडी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक टेप तो हम यहाँ पर लगाएंगे इसके यहाँ ऐसे, और एक सेम वे में यहाँ ऐसे। देखिए गाइज, अभी बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ इसकी। इस तरह से बैक साइड दिखेगी आपको और ये फ्रंट साइड दिखेगी आपको। तो चलिए अभी भी काम बहुत सारा पेंडिंग है। एक हमें तिल्ला लगाना होगा यहाँ से यहाँ पर, इस तरह से ये जो तिल्ला है यहाँ से यहाँ। तो चलिए ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, मैं इसको तोड़ देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा तिल्ला यहाँ के लिए हो चुका है रेडी। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको। वैसे हम थोड़ी सी ऊपर भी कर सकते हैं इसको यहाँ पर। तो फ्रेंड मैं पहले बता देता हूँ, ये जो तिल्ला है ये इस तरह से अरेंज करना है, जब हम कन्ने पाएंगे, जैसे ये हमारे कन्ने और दो उंगल, तो यहाँ पर इस तरह से अरेंज करना है कि कन्ने जो हमारे पड़े वो इस तिल्ले के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर पड़े। वो मैं थोड़ी देर में आपको पूरी तरह समझा दूंगा। देखिए गाइस, अब हमारी काइट हो चुकी है रेडी पूरी तरह से, हम बोल सकते हैं इसको अब रेडी हो चुकी है हमारी काइट पूरी तरह से, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो गाइस देख सकते हैं आप बैक पोर्शन इसका, फ्रंट पोर्शन देख सकते हैं आप इसका। और चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बड़ा बड़ा, काइट लवर। तो गाइस एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर सामने से इसका पोर्शन को, और एक बार मैं आपको बैक पोर्शन दिखा देता हूँ इसका। देखिए गाइस सामने से, तो चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं इसके कन्ने कैसे डालने। तो बिल्कुल सिंपल वे कन्ने डालने का फ्रेंड्स, एक होल आपको इधर करना है ऐसे यहाँ पर, एक होल आपको इधर करना है, और इस तरह से हाथ रख के और दो उंगली रख के एक होल यहाँ होगा, एक होल यहाँ होगा, यहाँ मेरी टेप लगी हुई है।
तो मैं इसको हम यहाँ पर सीजर की मदद से यहाँ पर होल कर देता हूँ मैं। तो चलिए मैं यहाँ पर होल कर देता हूँ सीजर की मदद से, ये मैंने होल किया यहाँ पर और ये होल किया यहाँ पर। तो चलिए मैं इसमें जल्दी से कन्ने भी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो हमने थोड़ा धागा लिया, तो मैंने इसको डबल कर लिया धागे को यहाँ पर गाइस। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर से इसको निकाल देते हैं। यहाँ से हमने निकाला और ऊपर से ले जाके इसको यहाँ पर हमने बांध दिया। तो ये हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब नीचे की तरफ, अब ये जो हमारे होल्स दिख रहे हैं इसमें से हम पास करेंगे इसको। यहाँ से हमने इसको पास किया ऐसे, यहाँ से हमने इसको पास किया यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर इसको जाके बांध दिया। तो ये हमारा हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर ये बन चुके हैं, अब बिल्कुल सेंटर पोर्शन में है। यहाँ पर ये हमारा सेंटर है इस चीज़ का। तो चलिए सेंटर पोर्शन लेके हमने इसको यहाँ पर भी बांध दिया। तो गाइस कैसे लगे आपको ये वीडियो और ये काइट? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगी होगी। और फ्रेंड मैं पहले बता दूँ, ये सिर्फ तेज़ हवा में उड़ेगी। जब मैंने सर्कल काइट बनाई थी आपने कमेंट किए थे कि सर ये उड़ नहीं रही है, तो फ्रेंड ये तेज़ हवा में उड़ने वाली काइट्स है, ये स्लो हवा में काइट नहीं उड़ेगी। और ये जो काइट उड़ेगी हमेशा ये बारीक डोर से बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी, जो पतली डोर होती है इसके लिए हमें मोटी डोर की जरूरत पड़ती है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उनको भी जाके हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा जो पेज है फेसबुक